प्रोटीन आएगा, लोग आजकल वेज खा के बॉडी बना रहे। ऋषिकेश घूमा जा रहा है, दर्शन किए जा रहे, चने से बॉडी बनाई जा रही है। दोस्तों फैट लॉस के लिए हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भुवन चौहान की कैंट फिजिक अपडेट के विषय में, प्लस रोहित खत्री की बिग अनाउंसमेंट की वो शादी करने वाले हैं। इसके अलावा भरत सिंह वालिया ने साहिल खान को चना से मिलने वाले प्रोटीन मतलब कि वेजिटेरियन से मिलने वाले प्रोटीन के विषय में क्या रिप्लाई दिया है, प्लस मुकेश सिंह गहलोत ने फैट लॉस से रिलेटिव क्या स्पेशल पॉइंट बताए हैं, उनको जरूर देखिएगा। तो हमारे पहले बॉडी बिल्डर है भुवन चौहान। तो दोस्तों भुवन चौहान की कैंट फिजिक अपडेट देने से पहले हम आपको बता दें कि आज भुवन चौहान का बर्थडे है। आप यहाँ पर पोस्ट में देख सकते हैं कि उनको काफी लोग टैग कर रहे हैं और उनको हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट में आप जरूर भुवन चौहान को हैप्पी बर्थडे लिखिएगा। तो दोस्तों अब हम भुवन चौहान की कैंट फिजिक अपडेट के विषय में बात कर लेते हैं। इनका प्रेजेंट टाइम में वेट है 226 lbs, मतलब कि 102 kg, 102 kg। तो दोस्तों इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये अब ऑफ सीजन करेंगे और एक अच्छी खासी गेनिंग करके फिर कटिंग करके मिस्टर ओलंपिया के स्टेज में भारत का झंडा लहराते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भुवन चौहान भारत का झंडा मिस्टर ओलंपिया के स्टेज में लहरा पाएंगे कि नहीं लहरा पाएंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है रोहित खत्री। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोहित खत्री और सोनिया सिंह दोनों ने ही अपने शादी के जोड़े खरीद लिए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि रोहित खत्री पहले सोनिया सिंह से शादी करेंगे कि वो अपने इस फिजिक सिमेट्री ऑफ कंडीशनिंग के साथ आर्नोल्ड क्लासिक अमेचर में पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल जीतेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं साहिल खान एंड रियल बॉडी बिल्डर भरत सिंह वालिया। चना खा रहे हैं जिससे प्रोटीन आएगा, लोग आजकल वेज खा के बॉडी बना रहे हैं, तो मैंने सोचा चना खा के मैं कैसे बॉडी बनाता हूँ, देखता हूँ। ऋषिकेश घूमा जा रहा है, दर्शन किए जा रहे, चने से बॉडी बनाई जा रही है। सो नाउ यू नो, वेरी नाइस, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू माय ब्रदर, कबीर दास जी ने कहा है, नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल ना जाए, मछली सदैव जल में रहे पर धोए बास ना जाए। व्हाइट वॉश कर लीजिए जितना भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बास विचारों से आती है, तो जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे नहीं जाएगी। एक बात हो, ये जो आवाज है जो आप सुन रहे हो, ये जो आवाज है ये जो आप सुन रहे हो, ये एडिटेड नहीं है, ये पर ब्रह्म रूपी ज्ञान का स्वरूप है। जब ज्ञान का वजन इंसान के हृदय पे पड़ता है तो आवाज बुलंद हो जाती है, एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, फिर नहीं पड़ेगी, सच बोल रहा हूं। सो नाउ यू नो, जय श्री राम। तो दोस्तों आप लोगों ने पहले साहिल खान की बातें सुन ली, फिर उसके बाद आपने भरत सिंह वालिया का रिप्लाई सुन लिया कि उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है साहिल खान को। तो दोस्तों कौन गलत है कौन सही, मैं इसके विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं केवल आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या चना से बॉडी नहीं बनती? जो लोग चना सुबेरे फुला के खाते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि हम चना फुला के खाते हैं। मेरे को आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा, आप सभी को जानते कि हम सभी के कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। उन्हें बॉडी बिल्डर भी कह सकते हैं, पावर लिफ्टर भी कह सकते हैं, और सभी कोई उनको प्यार से गुरुजी कहते हैं। हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मुकेश सिंह गहलोत। दोस्तों फैट लॉस के लिए आप बार बार पूछते हैं कि फैट लॉस कैसे करें या जल्दी कैसे करें, आप एथलीट हैं या नॉन एथलीट हैं जो भी हैं, तो इसकी 4-5 टिप्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले जंक फूड को आपकी थाली में क्या गलत है उसको हटाइए। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा है तब भी फैट लॉस नहीं हो पाएगा, आप कार्ब्स कट करें। तीसरा प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाएं, डाइट प्रोटीन 30 से 40 ग्राम 50 ग्राम प्रोटीन पर डे अपना डाइट से बढ़ाएं। और चौथा फ्रूट्स को थोड़ा कट करें, कम करें, और वेजिटेबल सैलड्स बढ़ा दें, और हेल्दी फैट जरूर ऐड करें। हेल्दी फैट जरूर ऐड करना, आपने फैट जीरो करना सबसे गलत प्रैक्टिस है। हेल्दी फैट आप ड्राई फ्रूट से ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तो ये। और पानी ज़्यादा पीना आपने, पानी बहुत कम पिएंगे तब भी गलत है, नमक बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इनको आप अप्लाई करोगे विद इन 2-3 वीक आपका देखो कितना चेंज आ जाएगा।
थैंक यू। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो बॉडी बिल्डर से रिलेटिव, अगर आप लोगों को अपडेट्स मिल गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में आप लोगों के लिए सबसे पहले बॉडी बिल्डर से रिलेटिव अपडेट्स हम लेके आते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा कि जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो डालते हैं तो वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।